हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन द कंसिस्टेंसी इन साइलेंस यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अ रादर स्मॉलर टॉपिक रिगार्डिंग अवर एयर सर्कुलेशन। वी हैवन्ट डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ सेल्स। सो दिस टॉपिक ऑफ सेल्स कम्स अंडर अ लार्जर टॉपिक नोन एज ट्राई मेरिडोनियल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जम्प स्ट्रेट टू टूडेज टॉपिक। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस, यू जस्ट हैव टू अप्लाई डैट पर्टिकुलर नॉलेज। सो प्लीज़ रिवाइज योर प्रीवियस क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन्स विच आर वेरी मच डिस्टिंक्ट इन देयर करेक्टरिस्टिक्स, लाइक द वन विच आई हैव discussed earlier also, the Mediterranean type of climate, and second of all the equatorial type of climate. The Indian monsoons we have already discussed. So one topic we have already cleared. So if you go back at your GC Leong, and there you will find the different climatic regions. So here we have covered three particular topics. The rest of the topics I have told you ऊपर से एक superficial way मैं आपको बता चुका हूँ मैं, like द ट्रॉपिकल या टेम्परेट मरीन क्लाइमेट, वो एक बार देख लेना। और उसके बाद एक साइबेरियन क्लाइमेट है, उसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं। सो ये छोटी छोटी क्लाइमेटिक रीजन्स देख लेना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स द इंडियन मानसून, द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट एज वेल एज द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट वी विल बी डिस्कसिंग टूडेज क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वट इज ट्राई मेरिडोनियल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन? एज अ वर्ड सजेस्ट, ट्राई इट मीन्स वी विल बी डिस्कसिंग थ्री सब टाइप्स ऑफ समथिंग। किसके सब टाइप्स? द सेल्स। एंड द सेम विल अप्लाई नीचे भी। दिस इज ITCZ। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन द इक्वेटर एंड ITCZ। आइडियली बोथ विल कोइंसाइड, बट इक्वेटर इज अ इमेजिनरी ग्रेट सर्कल। दिस ITCZ इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द इक्वेटर। आइडियली बोथ द ट्रेड विंड्स, कौन सी बोथ? द ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर, द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, शुड आइडियली बी कन्वर्ज एट द इक्वेटर। But the practical conditions are much different than the theoretical aspects. So hence, the practical approach is the ITCZ. ITCZ is the line where there is a convergence of the trade winds from both the hemispheres. And this ITCZ will shift with the apparent movement of the sun. तो ये दोनों में आप difference अच्छे से जान लीजिए, नहीं तो बहुत सारे aspirants equator और ITCZ में ही confused हो जाते हैं। Everything I have told you, वही चीज़ हम वापस बना लेते हैं। The trade winds, अब देखिए आपको conceptual clarity तो आ चुकी है, अब याद कैसे करना है वो एक अलग चीज़ है। तो देखिए trade winds, अब मैं तो बस ऐसे याद रखता हूँ कि भाई trade winds ऐसे कन्वर्ज हो रही है, तो बस इतना याद रखता हूँ मैं। अब देखिए, these are trade winds, now just opposite to it the westerlies, just opposite to it और सेम एज दिस द पोलर ईस्टरलीस, है ना। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी से याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? देखिए हमारे पास है इक्वेटोरियल लो, वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई, द एयर विल फ्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब ट्रॉपिकल, सॉरी टू इक्वेटोरियल लो। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। एंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर कहाँ लगाता है? राइट या लेफ्ट में? ऑफ कोर्सली सी लिख लीजिए तो राइट में। तो ये जब नीचे आ रही है तो ये रहा इसका राइट, अंडरस्टूड? मैंने हमेशा बोला था ओरिजिन पॉइंट पे अपने आप को रखना है जब भी कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट हमको देखना है। सो दिस वाज द ट्रेड विंड्स, द वेस्टर्लीज एंड द पोलर ईस्टर्लीज। नाउ द ट्राई मेरिडोनियल एयर्स एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, वी विल बी डिस्कसिंग थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, द हेडली सेल, द फेरल सेल एज वेल एज द पोलर सेल। जो भी मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया है वही चीज़ यहाँ रिपीट होंगी, बस यहाँ तीन में सेल अलग से बना दूंगा,
ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है वही हम रिवाइज कर रहे हैं। ITCZ और द इक्वेटोरियल सॉरी इक्वेटोरियल लो हैज़ बीन क्रिएटेड थर्मली, सो देर आर टू थिंग्स डेट हैव बीन क्रिएटेड थर्मली और प्रेशर बेल्ट, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दीज आर थर्मली क्रिएटेड, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो द डायनेमिकली क्रिएटेड। सो इक्वेटोरियल लो इज देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हैंस द एयर विल असेंड, एज द एयर विल असेंड आइडियली दे हैव टू गो एंड सेटल एट द पोल्स, बट एज द एयर विल असेंड हैंस नॉर्मल लैप्स रेट, द एयर विल बिकम डेंसर एज इट कूल्स डाउन इन द अपर एटमोसफियर, कहाँ 12 से 18 किलोमीटर ऊपर गई देन इट विल रोटेट टूवर्ड्स द पोल्स, बट ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एयर विल गो डाउन एंड द एयर बिकम डेंसर, हैंस इट विल सबसाइड इन द 25 to 35 degree north, और यही सेम चीज़ यहाँ भी होती रहेगी सदर्न हेमिस्फीयर में 25 to 35 degree north में, दिस पर्टिकुलर बेल्ट प्रेशर बेल्ट will be known as subtropical high pressure belt. We have seen the dichotomy in the previous classes that although in every class we will assume that equatorial low has been created thermally because of the presence of large amount of temperature, but the maximum amount of temperature can be found out at the subtropical high pressure belt, still it is known as subtropical high pressure belt. Why? Because it has been dynamically created and air is subsidizing over, not subsidizing, subsiding over the 25 to 35 degree north latitudes. So this is a dichotomy, maximum amount of temperature as well as high pressure, understood? And then when the air will descend, it will move as a surface winds in the name of the trade winds. फिर ये वापस आके यहाँ ये नीचे से आएगी, ITCZ में कन्वर्स करेगी, ऊपर होगी, असेंड होगी, वापस पोल पे बैठना चाहिए पर बैठ नहीं पाएगी, क्यों, पहले ही भारी हो चुकी, देन 25 to 35 degree north, 25 to 35 degree south वापस बैठ जाएगी। सो ये चीज़ हमारे पास चलती रहेगी। एंड दिस इज नोन एज हेडली सेल। Now, a certain portion of the descending limb will go towards the equatorial low as a trade winds. The another limb will travel towards the subpolar low as the westerlies. Now, I have told you this is the creation of front zone. Here, there is a frontal zone creation. What is fronts? The regions of the origin of the temperate cyclones, which we will be discussing in further classes. So here, due to this formation of cyclones, temperate cyclones, the air will ascend and hence it will complete the cell. Understood? So ye cell yahan pura complete hoga. Again, the air will descend. It will move as a surface winds in the name of the westerlies. Here, it will again have the meeting with the temperate cyclones, and then it has the ascending tendency and the creation of the whole cell known as feral cell. Now comes the last cell, the polar cell. As I have told you, the polar regions have very much low temperature, hence there's a formation of high pressure. This is thermally created, so polar high pressure belt. So thus the air will travel towards the subpolar low pressure belt. As there is a formation of fronts here, the air will ascend and it will descend at poles, hence the creation of polar cell. Mind you, I have told you the necessary characteristics of the formation of fronts. Yahan fronts nahi ban rahe, yahi fronts ban rahe. Why? Because dekhiye, marker dekhiye, I have given you two essential conditions for the formation of fronts. The first is the convergence at the ground. Can we see the convergence and
ग्राउंड, ये देखिए एरो, यस देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ ग्राउंड. सेकंड कंडीशन, डज वी सी द अपोजिट एयर मासेस, यस वन इज वार्म वन इज कोल्ड. यही चीज आप इक्वेटर पे अप्लाई करके देखिए. सो द फर्स्ट कंडीशन, कन्वर्जेंस एट द ग्राउंड लेवल, यस देयर इज अ कन्वर्जेंस एट द ग्राउंड लेवल. सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स. द सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट एयर मासेस. सो बोथ द एयर मासेस आर वार्म एयर मासेस, हैंस द टू कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड एंड हैंस वी डोंट सी द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स एट द इक्वेटोरियल रीजन्स. दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर इन विच वन कैन taught you the tri-meridional atmospheric circulation. Now, as I have told you, these all pressure vents or the feral cells are temporary in nature. Why? Their position is temporary in nature. Why? Because they will move with the apparent movement of the sun and thus giving rise to particular type of climates like that of the Mediterranean climate. So, thoda sa Mediterranean climate dekh lijiye. Let us draw map of the world. और कुछ बच गया? इतना ही है, ये भी बना ही देते हैं. जब सारी चीज़ें ही बना रहे हैं तो इधर भी हैं थोड़े से, इधर भी अपना रीयूनियन एंड मेडागास्कर. क्या बच गया? यहाँ थोड़ा सा ये बना दो, आइसलैंड भी बना देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड मैप विद इन कितना मिनट लग गया? 1 मिनट. तो ऐसे आपको सीखना है टू ड्रॉ इन द मेन्स एग्जामिनेशन. Now we have to study the Mediterranean region. Where is Mediterranean located? I think I have drawn a decent map, Picasso drawing. So you can able to figure out what portion of the geographical region represents the Mediterranean region. So this is the Mediterranean region. Now, in the previous class, I have discussed that there is a shifting of pressure belts. As there is shift in the pressure belts, hence there is a creation of the Mediterranean type of climate. Why this climate is very much important? First of all, it is having a unique characteristics of the shifting of the pressure belts. Imagine, proportion galat hai, ye thoda sa upar aayega, taki yahan se Tropic of Cancer pass hogi, fir yahan se pass hogi, theek hai? To proportions thode galat hai, par koi dikkat nahi hai. Look here. Suppose the sun is at equator. What does it signify? That there are equinoxes, you know, equal day and equal night. Now, the sun starts its journey towards the Tropic of Cancer in the Northern Hemisphere. So, apparent movement of the pressure belts will shift northwards. So, see, this is our Tropic of Cancer. This will shift northwards. Hence, these are the summers. India ke taraf se sochiye. Jab सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो इंडिया में क्या होंगे? समर्स. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? समर्स है. हम दिस इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन द प्रेशर बेल्ट्स ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स. ये देखिए नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया. तो नीचे कौन सी विंड्स बह रही है? ट्रेड विंड्स. ऊपर कौन सी? वेस्टर्लीज. सो वेस्टर्लीज यहाँ बह रही है एंड ईस्टर्लीज यहाँ बह रही है. समर्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड
मेडिटेरेनियन रीजन इज इन द जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स। सो ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ बहती हैं? दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इट मीन्स दे आर ऑफ शोर विंड्स, दे आर गोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द ओशन, हेंस देर इज नो रेनफॉल। अंडरस्टूड? नाउ द सन अगेन विल कम बैक टू द इक्वेटर एंड नाउ द सन इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए वापस दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ पास होती है, अल्जीरिया, लिबिया। कैसे याद करना है? MALE। एम से क्या होता है? मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट, और छोटा सा टूनिशिया भी है, तो ऐसे ऊपर वाली कंट्रीज याद हो जाती है। तो यहाँ से कहीं बहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ द सन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अंडरस्टूड? तो अब ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो दिस जोन कम्स इन द जोन ऑफ वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज में अब आ गई हैं। अब वेस्टर्लीज कैसे बहती है? नाउ सन इज एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो इंडिया में क्या होती है? विंटर्स। तो नदर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर्स हैं, और विंटर्स में वी हैव द ऑनशोर विंड्स। इट मीन्स दे विल गिव ह्यूज रेनफॉल इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो मेडिटेरेनियन रीजन हैव द विंटर सीजन रेनफॉल। प्लांट टू ग्रो प्रॉपरली रिक्वायर्स द सन, द सनलाइट ऑफ, सॉरी, द सोलर रेडिएशन ऑफ द सन फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस एज वेल एज वाटर, है ना, दोनों चाहिए। बट द सोलर रेडिएशन्स आर अवेलेबल इन द समर टाइम एंड द मॉइस्चर इज अवेलेबल एट द विंटर सीजन। सो दिस डाइकोटमस रिलेशन हैपन्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन। हैंस देर इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ क्रॉपिंग सीजन एंड दस दिस पर्टिकुलर रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, कहाँ कहाँ है? पूरी मेडिटेरेनियन के आजू बाजू है, थोड़ा सा साउथ ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल चिली में, कैलिफोर्निया में। सो दीज रीजन्स एक्सपीरियंस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो दस दे आर फेमस फॉर द ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड ऑल द फ्रूट्स। सो द विटीकल्चर इंडस्ट्री, द वाइन इंडस्ट्री इज ग्रेटली डेवलप्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अंडरस्टूड? ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लास इफ यू रिकॉल एंड ज्वाइन दीज मैट्रिक्स, वी हैव सीन नंबर ऑफ लोकल विंड्स हेयर, है ना, कौन कौन सी? यस, हमारे पास नॉर्दर्न स्लोप्स में फोन है एल्प्स के, सदर्न स्लोप्स में वी हैव मिस्त्राल, देन वी हैव बोरा बोरा, कहाँ? एड्रियाटिक सी के आसपास है। देन वी हैव द सिरोको, सिरोको यहाँ से जाके वहाँ ब्लड रेन करती थी, है ना। सो ऑल दीज लोकल विंड्स आर वेरी प्रिडोमिनेंट इन द मेडिटेरेनियन रीजन, हैंस दे विल डिस्ट्रॉय दिस और हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस इंडस्ट्री ऑफ विटीकल्चर। बट एज द टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर टू द नेचर इन मॉडर्न टाइम्स, हैंस वी आर ऑप्टिंग फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर फॉर द हार्वेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर। द इंडिजिनस वेराइटी और एनवायरमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन हैज़ बीन कट डाउन। सो नाउ देयर इज अ सेकेंडरी वेजिटेशन ग्रोन, कैसे? सक्सेशन, जो हमने पिछले नहीं हमने नहीं पढ़ा है, एनवायरमेंट में आप जो पढ़ते हो सेकेंडरी सक्सेशन, वो हो रखा है इन द मेडिटेरेनियन रीजन। सो द सेकेंडरी वेजिटेशन हैज़ बीन ग्रोन नेचुरली इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड इट हैज़ बीन नेम्ड बाई डिफरेंट कंट्रीज। सो कैसे कैसे हैं? जैसे फ्रांस में, बोल दिया जाएगा मैक्वी, हियर इज फ्रांस एंड हेयर इट इज नोन एज मैक्वी। किसको भाई? ड्यू टू द प्लांटेशन एग्रीकल्चर द इंडिजिनस एनवायरमेंट और द ट्रीज हैव बीन कट डाउन फॉर दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ देयर इज अ आउटग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी वेजिटेशन, द डिफरेंट कंट्रीज हैव गिवन डिफरेंट नोमेनक्लेचर टू दिस सेकेंडरी वेजिटेशन ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो वो नाम पढ़ रहे हैं हम, मैक्वी इन फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं माली स्क्रब्स, मेकिया, मेकिया कहाँ बोलेंगे? इटली में बोलेंगे।
मैकिया इन इटली। कैलिफोर्निया में भी एक चीज़ बोलते हैं चपैरल, चपैरल इन कैलिफोर्निया। तो सी सी से याद हो जाएगा, कैलिफोर्निया इन चपैरल। और फिर अपना थोड़ा रेसिज्म बोल लीजिए या कुछ भी वो स्टीरियोटाइप अपना थोड़ा लगाइए और इटली का याद कर लीजिए, मैकिया। तो ऐसे करके मैंने याद किया था, आप भी याद कर लीजिए। जैसे बोलते हैं पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैकिया याद कर लीजिए। और फ्रांस की तो लैंग्वेज ही लगती है मैक्वी, है ना, मैक्वी। जैसा अगर आपने फ्रेंच थोड़ी सीखी है तो मैक्वी मतलब बहुत ही स्ट्रांगली फ्रांस की लगती है। तो ऐसे याद किया था, और ये तो अलग ही है बिल्कुल, माले स्क्रब्स। तो सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, आपको एक चीज़ पता है अच्छे से कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यस, देर इज अ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बट द मैक्सिमम रेनफॉल पीक्स विल कोइंसाइड विद यस द इक्विनॉक्सेस, बिकॉज सन इज एट इक्वेटर और ITC इज एट ऑन द इक्विनॉक्सेस एंड हेंस देर इज अ ह्यूज रेनफॉल। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेनफॉल इन द इक्वेटर। सो हेंस ऑल्दो देर इज अ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द ईयर, बट द मैक्सिमम पीक्स ऑफ रेनफॉल विल कोइंसाइड विद द इक्विनॉक्सेस। सेकेंड ऑफ ऑल, वी टेंड टू एक्सपीरियंस द स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट इन दीज रीजन्स। वट इज स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट? स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स आपने डिफरेंट कैटेगरीज लेयर्स में डिवाइड कर दिया किसी भी चीज़ को, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेटोरियल रीजन हैज हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट मीन्स अ लॉट ऑफ प्लांट्स, अ लॉट ऑफ श्रब्स एंड लॉट ऑफ ग्रासेस विल ग्रो हेयर। सो दीज ऑल प्लांट स्पीशीज विल कम्पीट फॉर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड हैंस दे विल टेंड टू ग्रो हायर एंड हायर एंड दे विल एनलार्ज देयर कैनोपी देयर, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेशन मिल पाए। सो हैंस वी विल फाइंड सम ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज हेयर। सो दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। द सेकेंड इज ऑफ क्रीपर्स, उनको भी चाहिए भाई कुछ ना कुछ, तो इन टॉल ट्रीज पर क्रीप करके फिर अपनी सनलाइट ग्रहण करते हैं। देन सेकेंड लेयर ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज द समवट मीडियम ट्रीज एंड देन कम द स्मॉलेस्ट ट्रीज। जितनी कम इंसुलेशन है उतना कम फोटोसिंथेसिस, उतनी कम खाना बना पाएंगे, उतनी कम उनकी ग्रोथ। नाउ इन सब ने स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट ने पूरी एक एक करके इंसुलेशन ले ली है। सो इज देयर एनी इंसुलेशन लेफ्ट फॉर द ग्राउंड लेवल और द क्रीपर्स? नो। सो हैंस इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वी डोंट फाइंड एनी अंडरग्रोथ। तो यही सारी अपनी जो नॉलेज है एक बार मूवीज़ में लगाना और तब देखना मूवीज़ कितनी, क्या बोलेंगे, कौन सी साउंड है, एकेडेमिकली साउंड है, एक बार देखना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट, वी हैव द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर बट द मैक्सिमम पीक्स विल कोइंसाइड विद इक्विनॉक्सेस। अच्छा, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर इट मीन्स देर इज नो सीजन एट द इक्वेटोरियल रीजन, ये भी एक अलग पॉइंट है। देन नो अंडरग्रोथ आ गया। यहाँ के अगर एग्जाम्पल देखें तो महगोनी, इबोनी, डाईवुड, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। लार्जेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन्हीं फॉरेस्ट से होता है, लाइक द अमेजॉन फॉरेस्ट, दीज आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन एमिटेड इन द एयर, बट फॉर द फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, हैंस दे विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर एंड देन दे विल कन्वर्ट इट इन टू कार्बोहाइड्रेट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन, एटमोस्फेरिक कार्बन हैज बीन सिक्वेस्टर्ड इन द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट ने वो ग्रहण कर लिया एटमोसफियर में, उतनी कम कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट। अच्छा, एक और चीज़ आप लिख लीजिए। देखिए, मैंने अभी बताया स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसका मतलब दीज आर हार्डवुड ट्रीज, हैंस देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन।
In the previous classes, we have covered the temperate region. In the temperate region, we find the softwood trees. These trees occur in the bunch. Hence, the commercial exploitation is much more easy process in that particular regions. And logging is very famous job in the winter season in these temperate regions. और इंडिया में कोई नहीं है लॉगिंग, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं. हार्डवुड ट्रीज में क्या होता है, एक तो वो एक ही स्पीशीज़ के नहीं मिलते, सारी स्पीशीज़ मिक्स हो जाती है हार्डवुड ट्रीज में. तो ऐसे फॉरेस्ट में कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ वेरी मच डिफिकल्ट और नॉट इकोनॉमिकल. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग टूडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग अवर जेट स्ट्रीम्स टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी. टिल देन, इफ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.